भाई फायरबोल्ट आजकल मार्केट में काफी सारी वॉचेस लॉन्च कर रहा है, जिसमें से फायरबोल्ट कोबरा ने काफी जलवा बिखेरा है, जो कि 20 तारीख को लॉन्च हुई है। और उसी के साथ फायरबोल्ट ने फायरबोल्ट एस्ट्रो भी लॉन्च करी थी, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसके बारे में हो सकता है किसी ने सुना भी ना। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये दोनों वॉचेस कहीं ना कहीं एक जैसे फीचर्स के साथ आ जाती है, बट ये अलग अलग कैटेगरी की वॉच है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इन दोनों वॉचेस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि इन दोनों वॉचेस के लिए मेन फैक्टर है। तो भाई फायरबोल्ट कोबरा एक रग्ड और स्पोर्टी वॉच है, जिसकी बॉडी 3 लेयर सील्ड से मिलकर बनी हुई है। तो ऑल ओवर ये है कि एक इलेक्ट्रिक ग्रेड की वॉच है। अब अगर मैं फायरबोल्ट एस्ट्रो की बात करूं, तो ये एक सिंपल टिपिकल स्क्वायर शेप वाली वॉच है, जो की काफी क्लासी लुक देती है। तो भाई ऑल ओवर बात करूं, तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बोलोगे तो फायरबोल्ट कोबरा ही जीतेगा, बट अगर क्लासीनेस की बात करोगे, अगर आप सिंपल लुक्स की बात करोगे, तो फायरबोल्ट एस्ट्रो तगड़ी वॉच है। अब हम इन दोनों के फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। अब अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, तो दोनों ही वॉचेस में 1.78 इंचेस की एमलेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, जिनका पिक्सल रेजोल्यूशन 368x448 है, और दोनों ही में आपको डिसेंट सी ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। मतलब नंबर्स का तो कुछ पता नहीं है, क्लियर नहीं किया, तो भाई क्लियर बात है दोनों की काफी बेटर शार्पर डिस्प्ले है। और हाँ, दोनों ही वॉचेस में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ में ही कस्टमाइज वॉच फेस भी दोनों वॉचेस में लगा पाओगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आजकल सारे वॉचेस में आ रहा है, आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर इन दोनों वॉचेस में मिल जाएगा, और साथ में AI वॉइस असिस्टेंट भी। अगर मैं स्पोर्ट मोड की बात करूं, तो कोबरा में 123 स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलेगा, वहीं एस्ट्रो में 110। बट ये बात क्लियर है कि आपकी सारी की सारी एक्टिविटी इन दोनों में ही पूरी हो जाएंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। अब अगर मैं हेल्थ रिलेटेड सेंसर की बात करूं, तो दोनों वॉचेस में आपको सारे सारे हेल्थ रिलेटेड सेंसर मिल जाने हैं, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 सेरम मॉनिटरिंग, ब्रीथ मॉनिटरिंग, फीमेल साइकिल ट्रैकिंग जैसे सेंसर मिल जाएंगे। और हाँ भाई, दोनों ही वॉचेस में आपको सारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के स्मार्ट नोटिफिकेशन और सारे सारे यूटिलिटी फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि डेली यूज में काफी काम भी आते हैं। दोनों ही वॉचेस में आपको इनबिल्ट गेम का फीचर भी मिल जाता है, जो कि भाई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बढ़िया है। अब मैं वाटर प्रोटेक्शन की बात करूं, तो फायरबोल्ट कोबरा में आपको IP68 का वाटर प्रोटेक्शन मिलेगा, वहीं एस्ट्रो में आपको IP67 का। ठीक है, पानी में लेकर दोनों को उतर सकते हो, बट इसको थोड़ा ज्यादा टाइम तक रख सकते हो, इसको थोड़ा कम, तो इतना फर्क है बस। अब मैं बात कर लूं बैटरी लाइफ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए, तो आपको फायरबोल्ट कोबरा में 15 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है, जो कि काफी तगड़ी बात है, बट आपको एस्ट्रो में 7 दिन का ही बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और हाँ, क्लियर कर दूं कि ये दोनों के दोनों जो बैटरी बैकअप विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग है, अगर ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करोगे तो मतलब थोड़ा कम दे देगी, थोड़ा नहीं काफी कम दे देगी। अब अगर मैं ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करूं, तो वो आपको फायरबोल्ट कोबरा 3,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आ जाती है, वहीं फायरबोल्ट एस्ट्रो 3,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आती है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वॉच अपने अपने प्राइस पॉइंट पे अपने अपने फीचर्स को सही वाला जस्टिफिकेशन देते हैं, बट वहीं 500 रुपए का फर्क कहां आ रहा है, 500 रुपए का फर्क आ रहा है मात्र बिल्ड क्वालिटी में और डिजाइन में, क्योंकि इसका एक स्पोर्टी लुक है और इसका एक क्लासिक लुक है। तो वही बात हो गई, यदि आपको ऑफिस वर्क करना है, यदि आपको पार्टीज में जाना है, यदि आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाना है, तो आपके लिए फायरबोल्ट एस्ट्रो काफी अच्छी वॉच है, मतलब काफी क्लासिक वॉच है, जो आपके हैंड पे काफी अच्छी लगेगी। और हाँ भाई, बर्थडे भी अपने प्राइस पॉइंट पे। और वहीं यदि आपको एडवेंचरस एक्टिविटी करने का शौक है, क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, और या फिर आप मिलिट्री ग्रेड की किसी जॉब में, या फिर पुलिस में हो, या फिर आर्मी में हो, तो आपके लिए ये वॉच बनी है भाई, आपको इसी को ही खरीदना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी, और जो भी आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन था और बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी किसी कंपैरिजन। टेक केयर, बाय बाय।